वालेकुम। मैंने सुबह भी आपके साथ शेयर किया था कि हेल्प इस दफ़ा मसाजिद की तमीरात और जो मरीज़ है उनको मुख्तलिफ हस्पतालों तक पहुंचाने का काम बहुत ही खुशसलूकी से कर रहा है। चंद दिन पहले भी हमने एक गरीब फैमिली की शादी के हवाले से हेल्प की जानिब से मदद की थी। रमज़ान का महीना है, लोग बहुत शौक़ से मुस्तक और गरीब फैमिलीज़ की मदद कर रहे हैं। हेल्प की तोसत से एक मरतबा फिर डॉक्टर साजिद साहब ने 7 मुस्तक फैमिलीज़ के लिए राशन का अहतमाम किया है, जो कि हम कुछ ही देर में उन लोगों में तकसीम करेंगे। मैंने सुबह भी आपको बताया था कि बहुत से ऐसे फैमिलीज़ हैं, पर्दा पोश फैमिलीज़ हैं, जिनके कारोबार नहीं हैं या जिनकी नौकरियाँ नहीं हैं, तो वो बहुत ही परेशान हैं। उनके फैमिलीज़ के अंदर बीमार लोग भी मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बिल्कुल भी नहीं कमाते। तो रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में सहरी और अफ्तारी के लिए उन सारे फैमिलीज़ को मदद की ज़रूरत है, आप मुखैर हजरात की मदद की ज़रूरत है। तो हर साल की तरह इस साल भी लोग बहुत शौक से हेल्प की तोसत से लोगों तक राशन और अदवियात का जो सिलसिला है वो हमारा चल रहा है। एक मरतबा फिर मैं आपसे गुजारिश कर दूँगा उन सारे मुखैर हजरात से कि बराए मेहरबानी जो लोग चाहते हैं गरीब और मुस्तक फैमिलीज़ तक राशन की तकसीम, वो हेल्प के प्लेटफार्म से उन लोगों तक अपने राशन पहुंचाने का काम हमसे ले सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुस्तफ़ा से प्यार अल्लाह अल्लाह गुनाहगार उम्मत से प्यार अल्लाह अल्लाह नबी रोए ज़ारो कतार अल्लाह अल्लाह नबी रोए ज़ारो कतार अल्लाह।